सवाल किया गया है कि आज का पाकिस्तान काल का पाकिस्तान है या नहीं। पंजाब की बंगाल की जवान चल पड़ी, पंजाब की बंगाल की जवान चल पड़ी, सिंधी बलोची सरहदी अफगान चल पड़ी, गरबार छोर बेसर सामान चल पड़ी, साथ अपने मुहाजिर की कुरान चल पड़ी, और कायदे मिल्लत की चली होने को कुर्बान, क्योंकि ये था कायदे आजम का पाकिस्तान। जनाबे सदर जिए सिंह जिए पठान जिए महाजिर के नारे, तेरा सुबह मेरा सुबह सिंधु देश के नारे। तभी आज मैं ये कहने में हक बजाने हूँ कि थी जिसकी तमन्नाई सहर वो तो नहीं है, कि थी जिसकी तमन्नाई सहर वो तो नहीं है, काय की कबदो का समर ये तो नहीं है। बसते हुए दस्ते को मिटते हुए एक बार का ख्वाब नगर ये तो नहीं है। जनाब सद ये सोनी धरती पुकार उठती है, ललकार उठती है, इंसानियत को भारी जूतों तले रौंदने वालों, फिजा में बारूद की बू फैलाने वालों, तू कौन मैं कौन पर आपस में लड़ने मरने वालों, एक हफ्ते में 150 लाशों को गोलियों के स्पोर्ट करने वालों, खुदा के लहजे में बात करने वालों, जान रखो ये वतन तुम्हारे बाप की जान भी नहीं है। ये कार्य आजम का पाकिस्तान। जी हाँ सत्य जी वकार, मैं हमदान वक्त से कहती हूँ कि आओ मैं तुम्हें कायदे आजम का पाकिस्तान दिखाती हूँ। कायदे आजम ने जब 1947 में कहा कि पाकिस्तान को अपनी ऐसी ताकत पर नाज होगा, तो हाँ हम एमएम आलम सरफराज अहमद राशिद बिन हास और कर्नल शेर खान हैं, हाँ हम वो 129 सरफरोशों में हैं जिन्होंने बर्फ के पहाड़ों तले अपनी जान निछावर कर दी, क्योंकि ये कायदे आजम का पाकिस्तान है। हाँ हम एटमी छठी बड़ी फौज का 500